भाई आज अपना पहला ब्लॉग है और अपन जयपुर से कुंभलगढ़ जा रहे हैं। 1-1.5 घंटा लेट है अपन जा रहे हैं। चाय वाय पीते हैं फटाफट। हमने तो पी लिया, अब ये वरुण वेट कर रहे हैं इसका कर रहे थे, इसको चाय वाय पिला के पर इसको लेके निकलते हैं। सच में भाई बहुत लेट कर रहे हैं, फटाफट करो भाई तुम। भाई फुल रेन कवर वगैरह डाल लिए हैं बैगों पे, मैंने तो अपने शरीर पे भी डाल लिया भाई। सही है, बढ़िया दिख रहा है भाई। बारिश वारिश तो नहीं हो रही है पर, लेकिन हाँ मौसम मौसम काफ़ी सही है भाई। क्लाउड व्लाउड हो रखे हैं, पहाड़ वहाड़ बिल्कुल हरे हो रखे हैं और मज़ा आ रहा है भाई। ये एक्सटेंडर लगाया ना बाहर का, भाई फ़ायदा तो हो रहा है इससे, बहुत बढ़िया खड़े हो लेते हैं भाई, कोई दिक्कत तो आती नहीं। देख आगे यार, कुछ स्टॉप मिलता है तो अपन रुकते हैं। ये यहाँ पे रुकते हैं अपन, 1-2 मिनट रुकेंगे फटाफट, थोड़ा से कमर से भी कर लेते हैं फिर निकलते हैं भाई। वो वरुण मेरे ख्याल से आगे निकल गया, उसको कॉल कर ले या देख उसका कॉल आ रहा है क्या, तो वहीं चलते हैं वहाँ पे उसको लेंगे और चलते हैं वहाँ से। चलो आ जाओ फटाफट लेते हैं, देखिए वरुण क्या सीन है उसका, कहाँ पर है वो देखते हैं। बारिश, अपने को डायरेक्ट बारिश कहीं नहीं मिली है यार, पैच मिले हुए हैं पानी के भरे हुए, बारिश या तो हो चुकी है या तो होने वाली होगी अपने पीछे। ये आई रोड रोड का काम चल रहा है, काफी आगे निकल गया लगता है। ये रहा ये रहा ये रहा भाई, वरुण मिल गया, यहाँ है खड़ा हुआ। सही है, इधर ही ले लेना लेफ्ट साइड में फटाफट। मुस्कुरा रहा है भाई अपना। यहाँ रुकेंगे नहीं भाई, 2 मिनट ही बस देखते हैं फिर निकलते ही हैं यहाँ से। अभी तो अपन जस्ट स्टॉप लेकर ही आए हैं पीछे 10 किलोमीटर पीछे। सर वीडियो भी नहीं बन रहा है, ये टू साइड वाला। ओए होए होए होए, मजा ही आ गया भाई। ये अपना जो नाथद्वारा वाला रोड है ना यार, ये है तो बहुत सही बट इसमें ठीक है, थोड़ा गाय वाय का रहता है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपने। यहाँ रुक रहे हैं अपन, ठीक है 150 किलोमीटर हो गए हैं हमारे, 150 कितने 170 किलोमीटर हो गए हैं। एक स्टॉप लेंगे यहाँ पे और फिर डायरेक्ट यहाँ से कुंभलगढ़ रुकेंगे, फटाफट से निकलते हैं। ये मज़ा आता है मानसून में राइड करने का भाई। सब कुछ हरा भरा हो रखा है और क्या है कि अभी बादल भी, मतलब धूप भी डायरेक्ट नहीं पेनिट्रेट कर रही। ओए होए, टेढ़ा मेढ़ा रोड आ गए। ये अभी अपन ने ये C30 लगाया है ना यार, सही में यार बहुत इफेक्टिव चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है ये। मतलब एक बार के लिए तो अपन ने पहले V6 सारे हेलमेट में लगा के देखा, पर ये C30 का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है थोड़ा महंगा आता है, 10-1 हज़ार रुपये 11 हज़ार रुपये का आता है, पर सही है। तू बता सही लग रहा है क्या? साउंड आउंड तो सारे ही सही आता है इसका, आराम से इसको 100 पे क्रूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपन मेरे ख्याल से कुंभलगढ़ पहुँचने वाले ही हैं शायद, या मेरे ख्याल से यह रास्ता तो याद आ रहा है शायद, पिछली बार शायद ये बना हुआ था या इसको तोड़ा गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, पर लेकिन ये बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा भाई। ओहो लेक आ गई है ब्रो, यहाँ रुक लेते हैं, 1-5 मिनट का एक शूट निकालते हैं, फिर ऐसे बैठे बैठे गाड़ी से ही निकल चलेंगे अपन, 2 मिनट लगेंगे बस वीडियो बना। क्या सही लग रहा है भाई, यहाँ तो कैंप कूम स्टे कराने चालू कर देना चाहिए। थोड़ी जगह
रोड वोड बन रहे हैं भाई, ये सारे एक ही लेवल पे ब्रिज व्रिज बना रहे हैं कहीं से, ताकि पानी वानी का अंडर पाओ। पैनियर लगा के यार फ़ायदा तो बहुत है यार ये मानसून में, मतलब ऐसे तो सब कुछ सही लगता है, गाड़ी थोड़ी सी ओवरवेट हो जाती है यार, थोड़ा सा हैंडलिंग में ऐसे मतलब ठीक है वो ऑफ रेडिंग बोलो या नहीं बोलो, पर लेकिन थोड़ा सा थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, बाकी तो मज़ा आता है। फिर अब अपन पहुंच गए हैं होटल वही सेम, साल भर हो गया कितना, सितंबर में आए थे शायद अपन, अक्टूबर नवंबर में, नहीं नहीं नवंबर में आए थे शायद, साल भर भी नहीं हुआ है, सेम स्टे पे आए हैं हम लोग। देखते हैं अब गाड़ी जिस हिसाब से लगी है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा इस लॉन्ग वीकेंड के अंदर रूम मिलेगा, पर ठीक है, एक हमारा फिक्सा रहता है वो पूल के साइड में, पूल फेसिंग रूम है। चल रूम कौन देखने जा रहा है भाई, अभिषेक अपना तो देखा हुआ है, वरुण को भेजते हैं, पर उनका कॉल लेते हैं भाई, पूछते हैं उससे उसको कैसा लगता है, पार्किंग वार्किंग चल रही है यहाँ लोगों की, आ रहे हैं लोग, चलो देख कर आते हैं फटाफट, सामान वामान उतरवाते हैं। तो भाई चेक इन वैकिन कर लिया है, अब एक टूर दे देते हैं हम, ये लेफ्ट साइड में हमारे पूल है और राइट साइड में लेक है, बार देख लेते हैं नज़ारे, और इंस्टा 360 लिया है अभी हमने, एक शॉट बना देते हैं उसको। अब अपन निकलेंगे फिर यहाँ से और कुंभलगढ़ से उदयपुर के लिए, वो अपन नेक्स्ट ब्लॉग में डालते हैं, अभी फ़िलहाल तो यहीं पे ही चिल करेंगे थोड़ा सा, देखते हैं क्या सीन है, फूड वूड में जाएंगे, डिनर विनर करेंगे, बढ़िया घूमेंगे, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग ये कुंभलगढ़ फोर्ट देख के सीधा उदयपुर के लिए निकलेंगे। चलो फिलहाल के लिए तो यहीं पर ही है, चिल करो भाई। वहाँ पे अगर फोटोशूट वगैरह करने नहीं तो वो बोलेगा ना।